अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, खैरियत होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपकी वीडियोस पे व्यूज क्यों नहीं आते? हालांकि आप वीडियोस डाल डाल के थक चुके हो, लेकिन आपकी वीडियोस पे व्यूज नहीं आते। आपने कभी ये इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की, ये सोचने की कोशिश की है कि हमारी वीडियोज पे व्यूज आते क्यों नहीं और हमने लाने कैसे? ये आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा। हम लोग करते हैं कि हम वीडियोज अपलोड कर देते हैं, वीडियोज पे व्यूज आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो बस सही है यार, न्यू वीडियो अपलोड करेंगे। इससे मत किया करो। आपकी वीडियोस पे व्यूज लाना आप तक है, आप खुद उस वीडियोस को, अगर आपकी वीडियो अच्छी है ना, अगर वीडियो आपकी अगर बेकार वीडियो हो तो जाहिर सी बात है आप जो कुछ कर लो उस वीडियो के साथ उस पे व्यूज नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपकी वीडियोस अच्छी है ना, तो फिर आप तक है उस वीडियोस पे कितने व्यूज, आप कैसे वीडियोस पे व्यूज बढ़ाओगे, वो लॉजिक आपको आनी चाहिए, वो तरीका आपको आना चाहिए, वीडियोस पे व्यूज आएंगे कैसे, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। मेहनत के बगैर कोई काम नहीं होता, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी मेहनत करेंगे लेकिन इंशाल्लाह आपकी वीडियोस पे व्यूज कैसे आएंगे देख लीजिए आप खुद, फिर देखिएगा ठीक है। तो ये साथ मेरे चैनल देखिए, इस पे मैं इस वीडियो के इंप्रेशन आपको दिखा देता हूँ। देखिए कितने के में इसके इंप्रेशन गए और 1K से ज्यादा इसके व्यू आ चुके हैं अभी तक। और इसकी मैं आपको रेशो वगैरह भी दिखा देता हूँ, मतलब ये एवरेज व्यू ड्यूरेशन और ये एवरेज व्यू टाइम भी दिखा देता हूँ, ये आप देख लीजिए। ये वीडियो इन फ्यूचर में इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़्यादा ऊपर जाएगी, ठीक है, ये 1,00,000 में भी जा सकती है। अगर इस तरह की इस वीडियोस पे व्यूज़ आते रहे तो 1,00,000 तक भी जा सकती है। अभी 1K एक कुछ ही दिनों में इसको बूस्ट अप मिला है, थोड़ी सी मैंने इस पे मेहनत की है वीडियो पे, क्योंकि मुझे पता था इस वीडियो पे थोड़े से व्यूज़ ज़्यादा हैं और ये वीडियो ऊपर जा सकती है। मैंने थोड़ी सी मेहनत की और इस पे वीडियोज़ पे व्यूज़ आना लग चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों मैं भी आपको बताऊँगा, देखिए जो पहली चीज़ मैं अप्लाई करता हूँ, मेरे अगर वो काम वो आ जाती है, वो चीज़ मेरे जो है ना काम करती है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। बिना मैं मानता हूँ बेशक मैं थोड़े दिन बाद वीडियोस अपलोड करता हूँ, लेकिन जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ठीक है दोस्तों, उस पर मैं रिसर्च करके उसको सोच समझ के वीडियो को अपलोड करता हूँ। ये नहीं है कि बस जैसे भी आई वीडियो बस डालते रहो पूरा दिन, एक दिन में एक वीडियो लाजमी डालो, ऐसे नहीं है दोस्तों। वीडियो अच्छी होनी चाहिए, वीडियो में कुछ होना चाहिए। तो बिना वेस्ट की टाइम आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से आप अपनी वीडियोज़ को बूस्टअप करोगे, वीडियो को वायरल करोगे। सिर्फ 2 ट्रिक्स वीडियोस अपलोड करते वक्त, सिर्फ 2 ट्रिक्स आपने लगानी है। वो आप वीडियोस अपलोड करो, अगर व्यूज ना आए ना, तो उसके बाद भी आप वो उन वीडियोस पे, जिन वीडियो पे आप समझते हो कि इन वीडियोस पे मतलब ये वीडियोस अच्छी है, मेरी क्वालिटी भी अच्छी है, मतलब इस वीडियो में मैंने बोला भी ठीक है, सब कुछ इस वीडियो में ठीक है, और वो फिर भी उस पर व्यूज नहीं है, तो वो ट्रिक्स 2 ट्रिक्स जो मैं बताने लगा हूँ वो आप उस वीडियोज पे भी अप्लाई कर सकते हो, इंशाल्लाह आपके व्यूज जरूर से आएंगे। और जब आप वीडियोज अपलोड करते हो ना, तब भी वीडियो अपलोड करने से पहले 2 ट्रिक्स आपको बताऊंगा, वो अपने लाजमी से लगा लेनी है, तो आपके ज़रूर से इंशाल्लाह व्यूज़ आएंगे, ठीक है। तो बिना वेस्ट की टाइम मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कौन से अपने जो है ना वो ट्रिक्स लगानी है, सिर्फ 2 काम करने हैं, वो काम करने के बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके व्यूज़ ज़रूर से आएंगे। दोस्तों देखिए एक चीज़ आपको मैं बताने लगा हूँ, कोई न्यू यूट्यूबर आप अभी कुछ दिनों देख रहे होंगे, न्यू चैनल्स ग्रो अप कर रहे हैं, न्यू चैनल एकदम ग्रो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनको लीगल तरीका आता है, किस तरीके से सही तरीका उनको अपलोड करने का आता है, सही तरीका उनको चैनल चलाने का आता है, ग्रो करने का सही तरीका आता है, इस वजह से उनके चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो जाते हैं, पहली वीडियो डालते हैं वही वायरल हो जाती है। क्यों? उनको सही तरीका आता है। देखिए दोस्तों, अगर आपकी कैटेगरी के ऑडियंस के पास आपकी वीडियोज नहीं जाएगी, तब तक आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी, ये मेरे से लिख के ले लीजिए। अगर आपकी टेक की वीडियो, अगर आपकी गेमिंग की वीडियो, कुकिंग की वीडियो, अगर आपकी कुकिंग की वीडियो है ना, मसलन आपकी कुकिंग की वीडियो है, अगर वो टेक के टेक वाले इंटरेस्ट, जो टेक की वीडियोस में इंटरेस्ट रख रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्ट रख रहे हैं, अगर उसके पास जाएगी तो वो नहीं देखेगा। अगर आपकी कुकिंग की वीडियो है, कोई कुकिंग में इंटरेस्ट बंदा है जो यूट्यूब पे कुकिंग देखता रहता है, कुकिंग बनाना जानता है या कुछ इस तरह से वो इंटरेस्ट रखते हैं उस वीडियो में, तो वो अगर वो आपके सामने आएगी ना, उनके उसके सामने आपकी वीडियो आएगी, तो अगर कुछ मतलब इतना अच्छा ना भी हुआ ना थंबनेल वगैरह, तो वो फिर भी आपकी वीडियो देखेगा, क्योंकि उसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात को समझ रहे होगे। तो बिना वेस्ट के टाइम मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपके चल के बताता हूँ, थोड़ी सी 2 ट्रिक्स हैं छोटी छोटी, वो आपने अप्लाई करनी है, इंशाल्लाह आपके व्यूज जरूर से आएंगे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, लेट्स गो। जी तो दोस्तों, हम लोग आ गए मोबाइल की स्क्रीन पे, आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे यूट्यूब पे आ जाना है, ठीक है। यूट्यूब पे आने के बाद आपने करना क्या होगा दोस्तों, यूट्यूब पे जैसे आप आओगे, यहाँ पे ऊपर आप जहाँ पे आपको प्रोफाइल शो हो रही है, यहाँ पे आपने सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपने टर्न ऑन इनकोग्नेटो, ये ऑप्शन होगा, तो इसको आपने क्लिक करके लगा लेना, ठीक हो गया, ये ओपन हो गया। इसके बाद आपने करना क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे सर्च पे आ जाना है, सिंपली आपने सर्च पे आने के बाद जो भी आपका टॉपिक होगा, ठीक है, जो भी आपका टॉपिक होगा वो आपने लिखना है। जैसे मैं लिख लेता हूँ न्यूज़ में लिख लेता हूँ, यहाँ पर ये देखिएगा न्यूज़ लाइव, न्यूज़ 24 लाइव, न्यूज़ हेडलाइन, ये सब क्या है दोस्तों, ये ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स, ठीक है। और इसके अलावा मैं अगर कुछ और भी लिख लेता हूँ, कुकिंग के हवाले से लिख देता हूँ,
मैं कुकिंग लिख लेता हूँ, ठीक है? कुकिंग का आप लिखोगे, देखिए, कुकिंग रेसिपी, कुकिंग, कुकिंग वीडियोस, कुकिंग विद शबाना, कुकिंग चैलेंज, कुकिंग विद जैन, इस तरह से ये शॉर्ट्स आपके, ये जो ना ये कीवर्ड्स हैं ना, ये आपके ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं। आपने कर क्या लेना है, जो भी आपका टॉपिक होगा उस टॉपिक के मुताबिक आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपके कीवर्ड्स आ जाएंगे, यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर इनको कॉपी करके अपने अपने डिस्क्रिप्शन में, पहले अपनी वीडियो अपलोड करोगे, डिस्क्रिप्शन में आप जो है ना वो अपनी वीडियो के मुताबिक अबाउट वीडियो में जो लिखते हैं अबाउट वीडियो के, वो वीडियो के मुताबिक आपने बता देना कि ये इस वीडियो में इस तरह की मैंने चीज़ बताई है, ये किया, वो किया, वो सब कुछ बता देना। उसके बाद आपने करना है कि वहाँ पे एक लिखना है यूअर क्वेरीज, यूअर क्वेरीज भी लिख सकते हो या फिर कीवर्ड्स भी लिख सकते हो, वो लिख के अपने नीचे ये सब कुछ लिख लेना है जो यहाँ पे सर्च करोगे ना अपने कीवर्ड्स के मुताबिक जो सर्च करोगे। जैसे मैं कुछ और भी दिखा देता हूँ, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान, ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान विदाउट इन्वेस्टमेंट, ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये आपने वहाँ पे लगा लेने अपनी वीडियो के मुताबिक, देख के वहाँ पे कीवर्ड्स में लगा लेने और टैग्स में लगा लेने, आपकी वीडियो 100% वायरल होगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त।